पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। ममता की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह के बंगाल पहुंचने पर सियासत गर्म हो गई है। पहले से ही टीएमसी नेताओं के बगावती तेवर से ममता के खेमे में खलबली मची हुई है, लेकिन अमित शाह ममता बनर्जी से ही उनका सबसे बड़ा योद्धा छीनने के बाद टीएमसी सरकार को ललकारा है। इस बार का अमित शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद शाह बंगाल पहुंचे हैं। बंगाल पहुंचते ही शाह ममता पर गरजना शुरू कर दिए हैं। शाह ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। शाह इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर ममता सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दीदी कहती है कि बीजेपी सभी दलों से दल बदल करती है। मैं दीदी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी मूल पार्टी भी कांग्रेस ही थी। ये तो सुगबुगाहट है। जिस प्रकार की सुनामी मैं देख रहा हूं, वैसी ममता बनर्जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि ये जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं, कभी माँ माटी मानुष के नारे के साथ आगे बढ़े थे, आज इन लोगों का मोह भंग हो गया। अमित शाह की इस रैली में ममता के करीबी और प्रदेश सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ अलग अलग दलों के 9 विधायक और टीएमसी के 2 बार के सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। अधिकारी के पार्टी छोड़ने पर ममता पहले ही इमरजेंसी बैठक कर चुकी हैं, लेकिन अब अधिकारी ने ममता और टीएमसी को सबसे बड़ा झटका बीजेपी में शामिल होकर दिया है। वहीं शाह अभी एक दिन और बंगाल रहेंगे। अब देखना होगा अगला टीएमसी का कौन बड़ा नेता शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामता है। लेकिन शाह के बंगाल पहुंचते ही टीएमसी को जो झटके लगे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ममता दीदी के घर में जाकर अमित शाह ने तोड़फोड़ मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।